Hey guys, सामने इधर का है, अंदर हाजी अली बाबा की कबर बनी हुई है। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो कैसा आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज एक बार फिर हम घूमने के लिए निकल चुके हैं। तो आज पीछे आप देख सकते हैं मम्मी भी साथ हैं और पापा हमें लेने आए थे, फंक्शन में आए थे, हकीका सेरेमनी और जो स्कूल का जो फंक्शन था फ्रेंडशिप के ऊपर, तो उसमें आए थे। तो फिलहाल पापा भी हमारे साथ हैं, उमर भी, कबीर भी है, तो हम चार पांच जन घूमने के लिए जा रहे हैं। वो हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो निकल रहे हैं और ये एक महीना हो गया है हमें, समझो कल को हो जाएगा 15 तारीख में। तो ये लास्ट ट्रिप होगा हमारा, मतलब ये जो लोग रहेगा वो लास्ट रहेगा घूमने का। तो फिलहाल चलते हैं आपसे आगे चलते हैं। कितनी लंबी लाइन है, सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत लंबी लाइन है, तो अभी टाइम लगने वाला है। तो गाइस अभी आ गए हैं मलाड स्टेशन। तो हम ले रहे हैं, परसों में मेरठ जाना है तो हमें टिकट कराने के लिए फॉर्म लेना है, तो तत्काल टिकट ले रहे हैं क्योंकि दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रेनों में पैक हो चुकी हैं, टिकट नहीं है, तो टिकट जो है हमें तत्काल लेना पड़ेगा मेरठ के लिए। तो परसों हमें निकलना ही है हर हालत में। तो पहले हम ले रहे हैं फॉर्म, जो फॉर्म भरेंगे हम परसों टिकट के लिए, उसके बाद लेंगे हम अपनी लोकल ट्रेन का टिकट। तो मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस फॉर्म हमने ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं जहाँ पर मम्मी पापा खड़े हैं, तो वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद में हम, जैसे कि मैंने बताया, लोकल ट्रेन का टिकट लेंगे, फिर जाएंगे घूमने के लिए। भाई स्टेशन पर आ चुके हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आएगी तो हम बस ट्रेन में बैठेंगे। तो काफ़ी लेट हो चुका है हमें क्योंकि मालोनी से मलाड आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ट्रैफिक बहुत था, बहुत ज़्यादा। गाइज़ अपना स्टेशन आने वाला है महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी से हम जाएंगे, मैं आपको बताना भूल गया था, तो महालक्ष्मी से हम जाएंगे हाजी अली दरगाह, जो कि मुंबई की सबसे बड़ी दरगाह है और मुंबई हाजी अली दरगाह से पहचानी भी जाती है। तो बस स्टेशन आने वाला है, फिर हम उतरेंगे, वहाँ से लेंगे टैक्सी, तो टैक्सी से जाएंगे हाजी अली। तो अभी वेट करिए, बस पहुँचने ही वाले हैं। इस मलाड स्टेशन से हम उतरे हैं महालक्ष्मी स्टेशन और अब यहाँ से टैक्सी लेंगे, जैसे कि मैंने बताया टैक्सी से जाएंगे हाजी अली दरगाह। ये देख सकते हैं स्टेशन के बाहर का नज़ारा, कितने खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पर हाजी अली दरगाह के बाहर, रोड पार करके हाजी अली दरगाह जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर कितनी भीड़ है। टैक्सी स्टैंड है जहाँ से स्टेशन जाते हैं और यहीं उतरते हैं हाजी अली दरगाह के लिए भी। गाइस कितना शानदार व्यू है यहाँ का, भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर से रोड पार करेंगे। कितनी तगड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है नीचे, भाई कितनी भीड़ है। और अभी दोपहर ही हुई है, शाम में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, और आज वैसे भी फ्राइडे है तो फ्राइडे में भीड़ रहती है यहाँ पर, और सैटरडे संडे तो रहती है। चलिए कि बाहर के जो जूस के रेस्टोरेंट बने हुए हैं ये बहुत पुराने हैं, जब से हाजी अली दरगाह है। तो अभी देखिए जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है तो इनकी भी तरक्की होती जा रही है। तो देखिए ये है एंट्री गेट और अब हमने एंट्री कर दी है अंदर, और अभी बहुत आगे जाना है, बहुत पैदल चलना है। मज़ा आता है,
ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो ये रोड है हाजली दरगाह जाने का, तो यहाँ पर बाहर छोटी छोटी शॉप बनी हुई हैं, तो तरह तरह की यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। देख सकते हैं हर चीज़ की यहाँ पर शॉप है। तो गाइस बस थोड़ी दूर और चलना है और बस हाजली दरगाह ही गई है। सामने आपको मीनार भी दिखाई दे रही होगी। भीड़ आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ है। मुंबई की जानी मानी दरगाह है और जब यहाँ पर ये दरगाह स्थापित हुई थी, मतलब ये हाजी अली दरगाह के जो बाबा हैं, जब ही यहाँ पर मुंबई, मतलब मुंबई बस दरगाह के ही नाम से जानी जाती है। देखिए गाइस, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं यहाँ पर हाजी अली दरगाह के बाहर। पहले ऐसा नहीं था, अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है काफ़ी सालों से, अभी भी चालू है और अभी कितना टाइम चालू रहेगा वो नहीं पता। ये देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सामने, आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा। आखिरकार वो हमें रोड मिल ही गया। तो यहाँ पर शाम में काफ़ी पानी चढ़ जाता है ऊपर, और पूरा पानी पानी रहता है ऊपर रात के टाइम, तो रात में 8 बजे दरगाह बंद हो जाती है। जैसे कि हमने सुना है, जो भी मुंबई आता है हाजी अली दरगाह ज़रूर आता है, और हम भी जब भी मुंबई आते हैं हाजी अली दरगाह ज़रूर आते हैं, और जो भी यहाँ पर आता है और जो भी मन्नत मांगता है पूरी ज़रूर होती है, तो इसलिए ही फेमस है हाजी अली दरगाह यहाँ पर। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, किसी को भी रोक टोक नहीं है, हर धर्म के यहाँ पर लोग आते हैं। तो मुंबई का नाम ही यही है, यहाँ पर हर धर्म के लोग प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और कोई किसी को किसी के धर्म में कोई रोक टोक नहीं करता। तो देख सकते हैं नज़ारा गाइस। गाइस जैसे कि हमने सुना है, मुंबई की हाजी अली दरगाह एक ऐसी दरगाह है, चाहे कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, कभी भी ये दरगाह डूबती नहीं है। ऐसे ही जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी खड़ी है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता इस दरगाह को। तो ये है इस दरगाह की करामात, रिश्माई दरगाह, हाजी अली दरगाह। हाजी अली बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं, जो भी यहाँ पर अपनी मन्नत मांगता है। देखिए गाइस कैसे लहरें आ रही हैं, ये देखिए गाइस, सब फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जब हम कर रहे हैं अंदर एंट्री, मम्मी पापा उमर सामने, आप देख सकते हैं सब एंट्री कर चुके हैं। चलो आइए, इस साल आइए, आगे आओ 2 मिनट में।
तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं ये अंदर मज़ार है हाजी अली बाबा का, हाजी अली दरगाह। आप देख सकते हैं सब बैठने के लिए बनाई गई है, इधर हम अंदर जाकर बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, लिमिट से भी ज़्यादा गर्मी है और मेरी हालत क्या हो रही है मैं ही जानता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं तबीयत ख़राब से उठा हूँ, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खा रहा हूँ, कल भी रात डॉक्टर को दिखा गया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना है और कवाली पंडाल है, कवाली का स्टेज, और यहाँ पर कवालियाँ ही होती हैं और सब पीछे बैठे भी रहते हैं, तो यहाँ पर आज भी कवाली का प्रोग्राम है। आप सामने देख सकते हैं एक ही तरह के कपड़ों में एक ही तरह की टोपी पहने हुए हैं। गाइस कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आज फ्राइडे वैसे ही है तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सब देखिए कैसे दुआ मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं हाजी अली बाबा से। गाइस सामने इधर का है, अंदर हाजी अली बाबा की कब्र बनी हुई है, और ये काफ़ी पुराना टाइम का ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, आज तक ऐसा के ऐसा ही है। अंदर अगर आप कभी हाजी अली दरगाह आए होंगे तो आपने देखा होगा, और यहाँ के जो छोटे समोसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वड़ा पाव तो पूरी मुंबई में मिलता है, मुंबई के गली गली के कोने पर मिलता है, तो मुंबई के छोटे समोसे बहुत फेमस है। छोटे समोसों के साथ जो चटनी मिलती है लाजवाब, बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसका। देखिए गाइस आने के रेस्टोरेंट पर भी कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं सीट जो बनी हुई है बैठने के लिए। तो यहाँ पर हम बचपन में जब भी हम मामा के साथ आते थे, पूरी फैमिली आती थी, तो यहीं बैठा करते थे, अभी तो यहाँ पर ये कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं, और पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक भी दिखाई दे रही होगी आने वाली जाने वाली सब, समुंदर देखे, पूरी हाजी अली दरगाह समुंदर के बीच में है। गाइस आप सामने देख सकते हैं ये मस्जिद है हाजी अली दरगाह के अंदर, ये मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, ये मेन गेट है मस्जिद का। गाइस मैं आपको अंदर से मस्जिद का नज़ारा दिखा देता हूँ, सभी नमाजी नमाज पढ़ते हुए। दरगाह की बैक साइड ये मस्जिद का वजू खाना बना हुआ है, तो यहाँ पर सब वजू भी कर रहे हैं।
तो गाइस अभी नज़ारा देखना आप, कितना शानदार नज़ारा है। पानी कैसा आएगा, पानी की तेज देखना, पानी कितना तेज आएगा, स्पीड देखना। ये देखिए पब्लिक नहा रही है, मज़े कर रही है, एंजॉय कर रही है, फुल फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, सब वीडियो बना रहे हैं। कुछ नज़ारा ही अलग है, हाजी अली दरगाह का नज़ारा ही अलग है। यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। उधर देख कर आते हैं उधर क्या है। उधर आज तक मैं गया नहीं हूँ, बहुत बार आया हूँ मगर गया नहीं हूँ। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, मम्मी के लिए भी लेंगे, पापा के लिए भी, मतलब हम आराम से वहीं बैठकर खाएंगे, लेने जा रहे हैं अभी। चादर ले ली है और हम जा रहे हैं चढ़ाने के लिए हाजी अली बाबा के मज़ार पर। अभी हम जा रहे हैं वापस हाजी अली दरगाह से, तो अभी हम दूसरी दरगाह पे भी जाएंगे, तो वो पार्ट अलग होगा। ये फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे हाजी अली दरगाह और सेकंड पार्ट में आप दूसरी दरगाह देखेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो दरगाह कौन सी होगी, वो आपको मैं वहीं जाकर बताऊँगा, मगर हम दरगाह जा रहे हैं इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम हाजी अली दरगाह से बाहर जा रहे हैं,
तो बाहर जाने का और अंदर आने का एक ही गेट है, मेन गेट, तो सामने आप देख ही सकते हैं। तो गाइज हम जा रहे हैं वापस, अब फिर पता नहीं कब आना होगा मुंबई, तो इस बार भी मुंबई आए और इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आएंगे और हाजली दरगाह पर आए। मैं भाई गनी कह रहा था मुकेश अंबानी का घर दिखाने के लिए, तो मैं अभी उनको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से उनकी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मगर वहाँ पर अलाउड नहीं है, बहुत सिक्योरिटी है, ना ब्लॉग शूट कर सकते हैं ना फोटो शूट कर सकते हैं, तो दूर से मैं उसको दिखा देता हूँ। ये क्रेन का जो ये देख सकते हैं, ये सामने बीच में ये मुकेश अंबानी की बिल्डिंग है। गाइस ये था हमारा पार्ट वन। पार्ट वन में हम आए थे हाजली दरगाह, तो हमारा बारिश की वजह से हाजली दरगाह आने का प्लान कैंसिल हो गया था जब पहले, तो अभी हम फाइनली हाजली दरगाह घूम भी लिए हैं, आ भी गए हैं और फैमिली के साथ आया हूँ फाइनली। तो अभी हम जा रहे हैं माहिम दरगाह, तो वो पार्ट टू में देखेंगे आप। तो ये फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट का हम यहीं एंड कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।